Hi friends, this is Jyoti from Jyothi Rani and welcome back to my channel. Hope so आप लोग समझ होंगे और आज मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ. तो आज का वीडियो है इंस्पायर लुक. तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ श्रद्धा कपूर इंस्पायर मेकअप लुक. तो ये जो लुक है वो मैंने कैरी किया है हाफ गर्लफ्रेंड मूवी है उसमें. तो चलिए बिना डिले किए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टिंग द वीडियो. तो मैंने यहाँ पे CTM प्रोसेस अपना CTM स्टेप्स कर लिया, मतलब क्लिंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग कर लिया है. अब मैं यहाँ पे फेस मिस्ट यूज़ कर रही हूँ. ये विटवेरा का है फेस मिस्ट, गुड वाइब्स का. तो मैंने इसे स्प्रे कर लिया अपने फेस के ऊपर और अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी टू ऑब्जर्व. तो देखिए मैं इसे डैब डैब करके अपने हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ. अब मैं एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी एज ए प्राइमर. ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ एज ए प्राइमर. तो मैं थोड़ा सा लेके अपने चिक बोन के एरिया के पास, नोज एंटी जोन एरिया में सिर्फ लगाऊँगी इसे. अब मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं पॉन्स का BB प्लस सेड ओरिजिनल यूज़ करूँगी. तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ और इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा रही हूँ. और मैं यहाँ पे कोई ब्रश यूज़ नहीं करने वाली हूँ ब्लेंड करने के लिए, मैं अपने हाथों से ही इसे ब्लेंड करने वाली हूँ. हाथ से ही बहुत अच्छा से ही ब्लेंड हो जाता है फ्रेंड्स. तो मुझे तो अच्छा लगता है हाथ से ही ब्लेंड करना. आप जो चीज़, मतलब जिससे भी कंफर्टेबल है, ब्रश से या हाथ से, तो आप उससे ही अपने अनुसार ब्लेंड कर लें. देखिए ऑलमोस्ट बहुत अच्छा कवरेज भी दिया और ब्लेंड हो गया. अब NYB का ये कंसीलर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी आईज़ के नीचे और अपने माउथ एरियाज़ के नीचे थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ. और इसे भी मैं अपने हाथ से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ. देखिए ऑलमोस्ट सारा ब्लेंड हो गया, बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है और एक ग्लो भी आ गया मेरे फेस पे. तो आप जैसा जानते हैं कि अभी गर्मी आ चुका है, तो अब हम इसे सेट करेंगे NY का कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ. तो सेट करना बिल्कुल ना भूले अपने मेकअप को गर्मियों में. समर टाइम में इसे सेट करना बहुत ज़रूरी होता, नहीं तो ये हमें सेट से पूरा हमारा मेकअप पिघल के बाहर निकल आएगा. तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने सेट कर दिया है. अब मैं नेक्स्ट करूँगी अपना आईब्रो फिल. तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ब्राउन पेंसिल. तो चलिए देखिए मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ यहाँ पे. ये ब्राउन, मैंने जैसे बोला कि ब्राउन कलर है और ऑलमोस्ट मेरी बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा इसे. तो मैं इसे ही अपना दोनों आईब्रो फिल कर ले रही हूँ. और ये श्रद्धा कपूर इंस्पायर लुक है, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि उनका वो जो फ़ोटो मैंने लगाया उसमें पूरा मैट फिनिशिंग है, ग्लोई फिनिशिंग नहीं है. तो अब यहाँ पे मैं एडियास का ये बाम ऑफ रॉकर स्टार पैलेट यूज़ कर रही हूँ. इसमें से मैंने एकदम ट्रांजिशन कलर लिया, एकदम ट्रांसपेरेंट सा जो कलर मैंने अभी दिखाया वीडियो में, उसे अपना ट्रांजिशन कलर, मतलब ट्रांजिशन सेड यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ऊपर क्रीज लाइन के ऊपर, और अच्छे से थोड़ा थोड़ा लेके इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ. उन्होंने भी थोड़ा सा ऐसे ही, उनकी फ़ोटो से तो मुझे ऐसा ही लगा. अब मैं बोल्ड आईलाइनर क्रिएट करना है. बोल्ड मतलब बहुत ही थिक सा आईलाइनर क्रिएट करना है. तो मैं यहाँ पे कॉस्मिको का काजल यूज कर रही हूँ, सॉरी वो बोल्ड आईलाइनर बनाने के लिए. मैं इसे ही कम्फर्टेबल है और बहुत लोगों को आईलाइनर के साथ प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा. वो काजल से ही अच्छे से ड्रॉ करके बना सकते हैं थिक आईलाइनर. तो देखिए ऑलमोस्ट मैं बना रही हूँ उसी से और बहुत अच्छा बन भी जा रहा है. आँखों में अपना क्रिएट कर लिया है बोल्ड थिक आईलाइनर. और अब मैं लगाऊंगी पिंक कलर का, उन्होंने वहाँ पे लिप सेट लिया है, तो मेरे पास यही पिंक था, तो मैं इसी पिंक को अपने लिप्स पे यूज़ कर रही हूँ. ये थोड़ा डार्क है, उनका थोड़ा मतलब नेचुरल पिंक वाला था, मेरे पास था नहीं, जो था मैं वही यूज़ कर रही हूँ.
अब नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वॉक कॉन का मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और वाटरप्रूफ भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मस्कारा। और मस्कारा लगाना, उन्होंने कोई काजल नहीं लगाया था तो मैंने भी यहाँ पे कोई काजल नहीं लगाया है। अब मैं मिलती हूँ अपने इयर रिंग पहनने के बाद अब से फाइनल लुक। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी मैं ब्लश यूज़ करने वाली हूँ, तो यहाँ पे पिंक से हल्का सा ब्लश लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे ये जो वाइट कलर है ग्लिटरी, थोड़ा ग्लिटरी है उसमें, तो मैं उसे एज ए हाइलाइटर यूज़ करूँगी। तो मैं थोड़ा अपने टी जोन को हाईलाइट करूँगी, चिक बोन पर हाईलाइट करूँगी और थोड़े से अपने अपर लिप्स को हाईलाइट करूँगी। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो चुका है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको एकदम फाइनल लुक के साथ। तो गाइस ये मेरा फाइनल लुक है जो आप लोग के सामने है, मैंने क्रिएट किया है। देखिए आप लोग को शायद पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो मैंने ट्राई किया एकदम सेम लुक क्रिएट करने का, तो होप सो ये क्रिएट हुआ है, मैंने ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया है। देखिए तो मुझसे आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।